राज्य ओला उबर टू व्हीलर संघटनेच्या वतीने सहायक आयुक्त सीता बर्डी यांना पत्राद्वारे निवेदन देण्यात आले. ओला उबर बाईक अवैधरित्या जप्त केल्या जातात, या प्रकरणी न्याय मिळवून देण्याची मागणी देखील करण्यात आली आहे. सीता बर्डी पोलीस ठाणे येथे महाराष्ट्र राज्य ओला उबर टू व्हीलर संघटनेच्या वतीने अर्ज सादर करण्यात आला. संघटनेच्या काही मुलांना, जसे अनिल डोंगरे राहणार हिंगणा, तो त्याचा उदरनिर्वाह करिता ओला उबर बाईक चालवतो. 24 ऑगस्टला काही मुलांनी त्याला घेरले, त्यामध्ये एकाने त्याची बाईक बुक केली असते. तो त्याला पिकअप करायला जात असतो तेव्हा त्या गाडीची जबरन चाबी काढून घेतात व मारण्याची धमकी देऊन गाडी पेटवण्याची धमकी देतात. असे धमकावून गाडी RTO ऑफिसला नेली जाते व RTO ऑफिसला कारवाई करायला जबरदस्ती करतात व चलानी कारवाई करतात. या प्रकरणी पोलिसांनी त्यांना न्याय मिळवून द्यावा ही विनंती करण्यात आली आहे. और घटना ऐसी कि मुझे कल रात को एक बंदे का फोन आया जो कि ओला उबेर में अपनी टू व्हीलर करके रोजगार चलाता है, घर का पेट पालता है. और उसका फोन आने के बाद मुझे ये दिखा कि वहाँ RTO से कुछ असामजामक तत्वों का कुछ गठबंधन है. वो लोग गलत तरीके से उनको पकड़ के ला रहे हैं और उनकी गाड़ियों का बुकिंग करते हैं और बुकिंग करके RTO में लेके जा रहे हैं और फ्रॉड बुकिंग और बुकिंग भी इस तरीके से कर रहे हैं कि 5-5, 6-6 लोग का ग्रुप एक साथ खड़े रह के इन गरीब बच्चों को डरा धमका के वहाँ पे लेके आ रहे हैं, उनकी चाबियाँ लेकर आ रहे हैं. और अभी मैंने अधिकारियों से भी बात किया RTO में, तो उनका कहना था कि उनका बेसिक 10,000 रुपये का उनका पहला चालान है जो अनधिकृत प्रवास करके बोला जाता है. तो मैंने उनको विनंती किया कि वो 10,000 की तो गाड़ी भी नहीं होगी. इनकी शक्लें देखिए आप, 10,000 अगर इनके पास रहते तो उन्होंने सही में ओला उबेर में अपनी टू व्हीलर चलाई रहती है. तो उनका कहना और वो लोग जो जिस तरीके से कह रहे कि हम लोगों ने जिनको हमने अभी पुलिस के थ्रू ये करवाया अरेस्ट, वो वहाँ के दलाल है और RTO कहीं ना कहीं उनसे मिली हुई है, ऐसा हमारा सोचना है. RTO ने अपने दलालों को छोड़कर 10,000 रुपये की मांगनी वो लोग इन सभी से कर रहे हैं और उन्हीं के तत्वों पर हमने उनसे जब रिक्वेस्ट की दलालों से भी, तो उन्होंने इनकी गाड़ियां जलाने की ऐसी धमकी भी दी और मारने की भी धमकी दी. डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, गाड़ी की चाबी निकाल रहे हैं. अपना नाम? मेरा नाम योगेश पाचपुरे, मैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का महामंत्री हूँ, नागपुर शहर. और ये झगड़ा जो है ये एक ओला उबेर से लड़ रहा है. जो कार वाले है वो टू व्हीलर से लड़ रहे हैं, जो टू व्हीलर वाले वो कार वालों से लड़ रहे हैं. इस तरीके से ना हो यही हमारा प्रयास है, इसलिए हम लोग आज यहाँ खड़े हैं. और मैंने भी खुद आज ओला उबेर वालों से रिक्वेस्ट की, जो कार वाले जो जबरदस्ती पकड़ के, लेकिन मुझे भी लगा कि उन्होंने मुझसे भी गलत तरीके से बात किया और देख लेने की बात की कि हम तो करते रहेंगे, हम गाड़ी जला लेंगे, पकड़ लेंगे, हमारा चलते रहेंगे. मैं यहाँ से क्या बोलते अपने घर जा रहा था खाना खाने के लिए, तो एक सडनली एक राइड मिली, तो उन्होंने कहा कि भैया बोले मुझे रविनगर जाना है और देन उसने बैठ के साथ में लेके चला. तो RTO ऑफिस में पहुँचने के बाद उसने कहा कि बोले 5 मिनट का काम है, मुझे लाइसेंस देना है और बस फिर वापस चलते हैं. तो मैं बोला ठीक है, 2 मिनट का काम है तो चलते हैं. वहाँ जैसे पहुँचे उसने गाड़ी की चाबी निकाली और बोले तू होता कौन है, बोले गाड़ी चलाने वाला, तेरे को किसने ऑथोराइज दी है बोले. और बाद में बोले तू अगर यहाँ से उतरा नहीं बोले, अपनी गाड़ी की चाबी नहीं दी बोले, देखो बहुत जान से मार डालेगी बोले. ऐसी तक के धमकी दी और गाड़ी की चाबी छीन ली सर वहाँ से हमारे पास, और फिर गाड़ी वहाँ जमा कर ली. इवन तक के मोबाइल भी जमा करके रखने की कोशिश कर रहे थे पर मोबाइल रहने दिया, गाड़ी की चाबी ली और गाड़ी वहाँ जमा करके रखा. क्यों और क्या बोले, काय के लिए क्या क्यों बोले? तुमको क्या ऑथोराइज किसने दी है या टू व्हीलर चलाने की? या इसको तो बोले मान्यता भी नहीं है बोले कि तुम उबेर में टू व्हीलर चला सकते हो, कर ऐसा कर कहा हूँ. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर.